सो हेलो एवरीवन, दिस वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो गाइस, इस समय मेरे साथ ललित पंत और आज हम लोग आए हैं होम स्टे, स्वास्तिक होम स्टे में। तो यहाँ के जो हम आपको दिखाते हैं वो भी दिखाते हैं कि किस किस तरह के यहाँ पे रूम है और कैसा कैसा चीज़ है आप लोग को। तो पंजी बताएंगे इसके बारे में कुछ आपको। देखिए जिस प्रकार से बना, एक बार जब आएंगे यहाँ आप रहने हेतु या स्टे करने के लिए, अभी विश्राम हेतु अगर नैनीताल वगैरह आ रहे हैं ऊपर, अगर आप आएंगे ये तल्ली ताल से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा आपको। लेकिन इसकी बनावट ऐसी है, आप आओगे तो मंत्रमुग्ध हो जाओगे। जी जी, बनावट बहुत अच्छी है, रहने के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा, मतलब जिसे आने के बाद ही आपको पता चलेगा कि किस तरह का अनुभव होगा। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं रूम के अंदर और हमारे साथ है इस टाइम सलमान भाई, जो इस बिल्डिंग का सबसे ऊपर वाला फ्लोर है यही है। और यहाँ पे सबसे ऊपर रूम है, ये ऑफ सीजन में कम से कम 800 से 1200 के बीच में आपको मिल जाएगा, और सीजन में तो इसके रेट कम से कम 2500 से 3000 रुपये जाते हैं। चलो दिखाते हैं इसका पूरे, जो हमारा ये गेस्ट हाउस है इसका और भी दिखाते हैं आपको। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके का रूम है, आपको पूरा वुडन में बनाया हुआ, और किस तरीके का आपको टीवी दे रखा है, आपको पूरा रैक बने हुए हैं बड़े करके। तो आप यहाँ पे रह के काफ़ी अच्छा अनुभव कर सकते हैं यहाँ पे को। चलो इस तरह की बनावट है, देखते हैं आगे चल के। देखते हैं, देख सकते हैं यहाँ पुराने जवान के, हमारे इसको उड़का बोलते हैं, ये भी रखा गया है यहाँ पर। और जिस प्रकार से आपको इनकी छत दिख रही है, पूरी वुडन की बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है, और यहाँ पर रखे हुए सारी चीज़ें। हमारा ये पहाड़ी में इनको हुड़का बोला जाता है, कुमाऊनी में ये चीज़ें होती है। रूम बने का, रूप का जितना एरिया आपको देखेगा, देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा सुंदर दृश्य है, देखने का बहुत अच्छा बना हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं सारे बने हुए।